आप देख रहे हैं YouTube चैनल आवाज आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। आइए आपको लिए चलते हैं रानीगंज ब्लॉक और भरगमा ब्लॉक के बॉर्डर पे। जैसे ही परसा हाट से आप निकलेंगे पश्चिम की ओर तो आपको पंचायत बेलसरा गोट होते हुए धनश्री पंचायत में इन करेंगे और आरियो रोड पे निकल जाएंगे। इस बीच में 3 किलोमीटर का फासला है जिसमें 1.5 किलोमीटर कच्ची सड़क है। बाकी 1.5 किलोमीटर का हाल ऐसा है कि मानो 25 साल से इसका जीर्णोद्धार या रिपेयरिंग नहीं हुआ हो। जबकि इस सड़क से आप बनमनखी, बेसाड़, बीरनगर, बिसड़िया, कुमारखंड, मुरलीगंज, बिहारीगंज, हिंगवा, हरिपुर कला इत्यादि को जोड़ती है। बाकी भटगमा चौक से बहुत ही नज़दीक हो जाती है रानीगंज। अब देखने वाली बात यह है कि नेताजी जमुना राम के काल में इस सड़क पे ईंटा सोलिंग हुई थी। उसके बाद कई विधायक आए और गए, लेकिन वर्तमान विधायक जी को तो दूसरी बार मौका मिला है। अब इस बार इसका जीर्णोद्धार होता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। और आपको बता दूं कि इस रोड पे चलने लायक नहीं है और बरसात में मानो यहाँ पर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आप देख रहे हैं आवाज आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। आज हम हैं बरसा से जो एक कच्ची सड़क निकलती है और वो भटगमा चौक में आरियो रोड में जाके मिलती है। आपको बता दें कि 30 साल से इस रोड का जीर्णोद्धार नहीं हुई है। ना कोई नेता इसको विशेष रूप से लिया है, ना ही कोई नेता इस तरफ से चलते हैं। ये बात में कहीं झूठ नहीं है कि यहाँ के स्थानीय लोगों से जब हमने पूछा तो लोगों ने कहा कि कोई 25 साल कोई 30 साल के बाद उसका जन्म हो चुका है, लेकिन इस रोड का जीर्णोद्धार नहीं हुई है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, चूँकि खरीफ मौसम है और अगर बरसात की बात करें तो बरसात में पैदल चलना मुहाल हो जाती है। इस रोड का इतिहास रहा है कि ये रोड इस क्षेत्र के जितने आदमी इसका मुख्य मार्ग रानीगंज से जोड़ती है। चूँकि परसा होड होते हुए परसा हाट से लेते और रानीगंज को जाती है ये रोड, और इधर भटगमा चौक से ये रोड बिल्कुल कच्ची है। कुछ दूर तक ईटा सोलिंग हुई थी, बहुत दिन हो गया, लेकिन नेताओं का इसका खोज खबर करने वाला कोई नहीं है। सरकार कहती है सबका साथ सबका विश्वास, और यहाँ के सारे जनता को भी ऐसा ही लगता है। जनता बहुत समझदार है। आने वाले दिन में ये रोड चुनावी मुद्दा होगी। परसाहाट से मोहम्मद सेखू, कैसा लगता है ये रोड इतना खराब चल रहा है? ये रोड बनना चाहिए, बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए। मेरा नाम लालू कुमार ऋषिदेव है। अच्छा ये बताइए ये रोड कहाँ से कहाँ तक आती है? ये जो रोड पूरा उभर खाबड़ है, ये जो है ना भटगमा से निकलती है डायरेक्ट रानीगंज की, तो परसाहाट में जाके मिलती है ये रोड। तो ये रोड के बारे में आज तक कुछ सरकार की है इसके बारे में? इसके बारे में कुछ नहीं सुनिश्चित किया है सर। कुछ नहीं किया है? नहीं किया है। कब से, कितना उम्र है आपका? तो मेरा तो लगभग आज सर 25 साल उम्र है मेरा। तब से देख रहे हैं ऐसा ही है ये रोड? ऐसा ही रास्ता बहुत गड़बड़ है, अच्छा रोड नहीं है सर। क्या नाम है आपका? विजय कुमार शर्मा, परिषद जिला संगठन सचिव जाप अररिया। अच्छा ये बताइए ये जो रोड है यहाँ पर से परसा हाट से चल करके धनश्री होते हुए भटगमा चौक जाती है, ये रोड को आप कब से जानते हैं और कैसा है ये रोड? आपको जाने में कितना तकलीफ होता है? अच्छा। इस रोड को हम जहाँ तक बचपन से जानते हैं, और आज से नहीं, ये बहुत पूर्व से इस रोड का दशा बहुत खराब है। अच्छा। परसा हाट से जो भटगमा, भटगमा चौक के बाद हिंगवा बनमनखी जाती है, आर्य रोड मिलती है ये। हाँ, मुख्य हम लोग के लिए देखा जाए तो मुख्य मार्ग यही है, क्योंकि अच्छा। हिंगवा से निकलने के बाद भटगमा क्रॉस करने के बाद परसा, परसा से ही हम लोग रानीगंज, अररिया, फारबिसगंज जाते हैं, और लगभग लगभग काफ़ी दिन से इस रोड का यही दशा है। हम अभी चूँकि तो सुखाड़ मौसम है, खरीफ का समय है, और इसमें देख रहे हैं कि आप खड़ा होते हुए भी आदमी मोटरसाइकिल लेके गिर जाता है। रोड का बहुत हालत ख़राब है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है इस रोड को बनाने के लिए यहाँ का जो विधायक है उसके बारे में कोई प्रोसेसिंग किया है क्या? बिल्कुल नहीं। हमें तो लगता है कि विधायक साहब कभी इस रूट से गुजरे ही नहीं है, जबकि अच्छा। पीछे विधानसभा चुनाव के समय भी इस क्षेत्र में आए कि नहीं, ये भी हमें नहीं लगता जी। धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ आपका सर? मनीष देव गौतम। अच्छा ये बताइए ये रोड का आप लोग का मुख्य मार्ग है जाने आने का रानीगंज? जी जी जी। ये रोड को कब से जानते हैं आप? कैसा लग रहा है ये रोड को? लगभग हमको लग रहा है कि हम भी
दस साल से आते जाते हैं, रोड ऐसा ही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना होगा? ये यही कहना है कि विधायक जी इसे देखे और इसे जल्द से जल्द बनाने का प्रयास। यानी आप विधायक जी से गुहार लगाते हैं कि इस रोड को कम से कम जीर्णोद्धार कर दे इस रोड जी, का जी, जी, जी। क्या नाम है आपका? यही घर है आपका? अच्छा बताइए, इस रोड के बारे में आपका क्या सोच है? सोच है कि यही बन जाना चाहिए, बहुत दिक्कत होता है बरसात के टाइम में, पैदल भी चलना बहुत संभव होता है। अच्छा, तो मतलब ये रोड परसाहट से उधर भटगमा चौक तक जाती है ना, आरियो रोड? हाँ जी, भटगमा से बनमनखी तक जाती है। ये आरियो रोड में ये मिल जाती है, ये मुख्य मार्ग है जी। और इसका जीर्णोद्धार अभी तक नहीं हुआ? नहीं हुआ है। कोई आपका? विजेंद्र। अच्छा, अभी जो मोटरसाइकिल से आप आए हैं, कैसा लग रहा है ये रोड? आप बारिश में आप टप पाते हैं? नहीं नहीं टप पाते, कीचड़ बहुत हो जाता है, बारिश में नहीं चल पाते हैं? नहीं चल पाते हैं। अच्छा, आपका विधायक कौन है? अच्छी रोड को बनाने के लिए आप अपने विधायक को बोलेंगे? हाँ बोलेंगे, तो ये रोड बनना चाहिए। बनना चाहिए ना। आप भी मोटरसाइकिल से आए हैं, क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार पासवान। अच्छा, ये बताइए ये रोड के बारे में क्या कहना है आपका? रोड तो बनना चाहिए, बहुत दिक्कत होता है, लमसम जो है 30-35 साल से ये रोड का बुरा हाल है। 30-35 साल? 30-35 साल। इस बीच में कई नेता आए और चले गए, लेकिन इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ जी। लोकेशन बताइएगा, ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये परसा हाट से लेके भटगमा चौक तक आरियो रोड में मिल जाती है। ये रानीगंज जाने के लिए आप लोग का मुख्य मार्ग है? मुख्य मार्ग है, बहुत दिक्कत होता है हम लोग को, बरसात में पूरे परेशानी होता है। अभी भी तो यही है, रोड के चलते हम लोग को 10 किलोमीटर घूमने पड़ता है। 10 किलोमीटर घूमना पड़ जाता है? 10 किलोमीटर घूमने पड़ता है जी। धन्यवाद। यह रोड जो है, हम लोगों को याद है जमुना राम जिस टाइम में थे उसी टाइम में सोलिंग हुआ था, और जमुना राम ही करवाया था। आज 20-25 साल होने चला है यह ईटा सोलिंग। इसके बाद जो आते हैं, जो MLA MP आते हैं, वोट लेते हैं इस रोड का, कहते हैं करेंगे काम, इस रोड का कोई काम नहीं करते हैं। यहाँ तक कि भादव में यहाँ चलने वाला नहीं, कितना गिरता है, कितना गाड़ी फंसता है, इसमें कोई देखने वाला नहीं, कितना का पॉइंट टूटा है यहाँ। और यही मेन रास्ता है, बीरनगर जानकी नगर हो, बैसार हो, जहाँ भी हो, हिंगवा हरपुर हो। और क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रणधीर प्रसाद सिंह हुआ जी। धन्यवाद, आपने अपना सवाल रखा। तो आपका 2 टर्म से यहाँ विधायक बन रहा है, उसके बारे में क्या कहना है कि विधायक जी क्या करेंगे? तो कोई काम का है ये नहीं, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, एकदम कोई काम का नहीं है। अभी वर्तमान प्रसाद की मुखिया भी आ रहे हैं, उससे भी 2-2 बात आप पूछ लीजिए, और यहाँ हम जनता भी है, पूछ लीजिए, यहाँ कहीं तक कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। भैया मुखिया जी भूतपूर्व मुखिया है प्रसाद की, आप पूछ लीजिए विधायक यहाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार। भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं आप? प्रसाद। अच्छा, ये बताइए इस रोड के बारे में आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं सरकार से आप? ये जो सड़क है, सुनिए हमारी बात जी, जिस दिन से हमने होश संभाला है जी, न कोई सांसद जी, न कोई विधायक, हम लोग के रानीगंज के पश्चिम, रानीगंज नदी के पश्चिम कोई देखने का काम नहीं किया है। हम लोग जो हैं एकदम बड़ बीमारी का हालत में यह परिस्थिति होता है, डिलीवरी वाले महिला को यह परिस्थिति होता है रानीगंज जाने में। अब तो इधर जब पर, तो हमारे कहने का है कि हम तो चाहेंगे कि जितना जल्दी यह रोड सेंक्शन हो जाए, रोड बने, ताकि हम लोग के पब्लिक को जो है कहीं आवागमन का जो है अति असुविधा नहीं हो। यही मेरा रोड है। आपको कब से जानकारी है ये रोड के बारे में? रोड तो बहुत ही से देखते हैं, कच्ची है ये, कच्ची है। ये कहां से कहां तक जाती है? ये जाता है भटगमा चौक तक।